हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुंज विथ एसके। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में भारत का संविधान, जिसमें हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो आज का हमारा टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, इसके आने के पीछे कारण क्या था। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो हमारे देश में 1600 ईस्वी में ही व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन ये 1600 ईस्वी में व्यापार करते रहे, धीरे धीरे व्यापार करते करते भारत पे अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करने लगे। फिर 1757 का जो पलासी का युद्ध हुआ, बहुत सारे घटनाएं हुई, लेकिन जो 1757 का जो पलासी का युद्ध था, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था, उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की जीत हुई और अंग्रेज इसमें लगभग आधिपत्य जमा चुके थे भारत पे। हद तो तब हो गई जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें ये पूर्ण रूप से अधिकार कर लिए भारत पे, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी हुई, जिसमें इनको बहुत सारे अधिकार मिल गए। धीरे धीरे कंपनी भारत पे पूरी तरह से राज करने लगी और अपने मनमाने ढंग से काम करने लगे, जिसकी वजह से वहाँ ब्रिटिश इंग्लैंड में बैठी महारानी ये सब देख रही थी, इनके चीज़ों को देख रही थी, जिसके वजह से वो इन पे कंट्रोल करने के लिए तथा इनके भ्रष्टाचार को कम करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। और एक यहाँ पे और काम की, इसमें इन्होंने गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल को नियुक्त किया, मतलब गवर्नर के पद को हटा दिया। उस टाइम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, जिनको हटाकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और उसके बाद उसी टाइम 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और इनके साथ तीन और न्यायाधीश थे, एलिजा इम्पे। फिर क्या हुआ कि उसके तुरंत बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट क्यों आया, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये भी मतलब लगभग भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा था, जिसके वजह से क्या हुआ कि 1784 में कंपनी पे मतलब कंट्रोल करने के लिए द्वैत शासन की शुरुआत की गई, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे राजनीतिक मामलों को देखते थे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे व्यापारिक मामलों को देखते थे। तो व्यापारिक मामलों को देखते थे और इनका कंट्रोल पूरा इनके पे था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिया में आकर अपने काम करते थे, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इंग्लैंड से ही हर चीज़ निरीक्षण करते रहते थे। तो हुआ क्या कि 1784 में जो द्वैत शासन आया था, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बार बार भारत आना पड़ता था, कोई भी काम करने के लिए भारत आना पड़ता था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अगर उनको बोल दे कि युद्ध करना है तो इनको युद्ध करना पड़ता था, चाहे वो गलत हो या सही हो, उनको मजबूरी में बात मानना पड़ता था, जिसके वजह से काफ़ी क्षति होती थी। तब 1786 में एक वीटो पावर लाया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए। अब ये भी जो भी ये कानून बनाते थे, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी
हिस्सेदारी लिया करता था, उस पर विचार किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि 1793 में अब आया चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट जो था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, और जो वेतन था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो इंग्लैंड में रह के काम करते थे इनका वेतन भी भारतीय कोष से जाएगा, ये 1793 के चार्टर एक्ट में नियम बना दिया गया। अब सोचिए कि अब सारा काम क्या होता था कि इंडिया से पैसा जाता था और इंग्लैंड के लोगों को वेतन दिया जाता था, मतलब हर काम इंडिया के पैसे से ही होता था। उसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान लाया गया, मतलब उस टाइम शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान पहली बार लाया गया और यह बहुत बड़ा अमाउंट था। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त किया गया, लेकिन चाय के साथ जो व्यापार था, चाय के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था उसको ख़त्म नहीं किया गया, और चीन से जो व्यापार होता था उसको भी ख़त्म नहीं किया गया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो एकाधिकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया, आंशिक रूप से समाप्त किया गया, मतलब दो चीज़ों को छोड़ के अब ये भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे। और 1813 के चार्टर एक्ट में ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें भी बहुत सारे नियम लाए गए, जिसमें क्या किया गया कि जो भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल प्रथम भारत का गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग को बनाया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, लेकिन वही 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस 1833 के चार्टर एक्ट में ही एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। एक विधि सदस्य जो था ये गवर्नर जनरल की क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों की जो सूचना था वो इंग्लैंड में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को देता था। उसके बाद फिर इसके बाद बनता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि हर 20-20 साल के बाद चार्टर एक्ट आ रहा है। तो 1853 के चार्टर एक्ट में जो था ये अंतिम चार्टर एक्ट था, और उसके बाद संपूर्ण भारत के लिए इस चार्टर एक्ट में संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई और एक विधि परिषद का गठन किया गया। और इसी टाइम 1853 के चार्टर एक्ट में विधि परिषद का गठन किया गया और इसके सदस्यों का चुनाव सिविल सेवा परीक्षा लेकर किया जाता था, मतलब सिविल सेवा परीक्षा जो होता है UPSC BPSC इसका शुरुआत कब हुआ था 1853 के चार्टर एक्ट में। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ 1813 का चार्टर एक्ट आया है, 1833 का चार्टर एक्ट आया है, 1853 का चार्टर एक्ट आया है, लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद इनको तुरंत 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, मतलब ये जो 20-20 साल पे अपने नियम लाते थे उसको अब वो 1858 में 5 साल बाद ही ला दिए। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम और आगे के सारे अधिनियम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।